इलाज का तरीका भी है, लिहाजा सुन्नत के मुताबिक आप उसका इलाज करने की जो है कोशिश करें। किसी ने सवाल किया हुक्का पीना जायज़ है नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जायज़ है, जायज़ है। देखिए बहरहाल हुक्का जो मैं जानता हूँ वो एक चीज़ होती है, उसमें पानी भरा हुआ होता है, उसमें आग लगाई जाती है, उसके अंदर तंबाकू भरा जाता है, फिर इंसान उसका धुआं जो है मुंह में लेता है ना, गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाज़ आती रहती है और फिर वो छोड़ देता है। और आजकल तो फैशन के तौर पर लोग हुक्का पीते हैं, एप्पल का हुक्का आता है और पता नहीं क्या क्या टेस्ट भी आते, बोले फ्लेवर भी आते उसमें। बोले देखिए हुक्का जो है एक आम लिहाज से अगर उसमें तंबाकू है, तंबाकू जिस भी चीज़ में हो, टोबैको सिगरेट हुक्का आपका जो है पान मसाला, वो तो पान मसाला नाम है, गुटखा चूँकि गवर्नमेंट ने बैन किया ना तो नए नाम से आया पान मसाला, वो है गुटखा, वो है उसमें जो है। तो फिर उसके जितने भी चीज़ों में टोबैको है और जितने भी चीज़ों में नशावर चीज़ें, चाहे ड्रग्स हो, मंशियात जिसको कहते हैं, या ऐसी भी किस्म की जो नोन है, जो अननोन है जिससे नशा आता हो, शरीयतन ये जायज़ नहीं होंगी। और कोई कहे नहीं वो हम जो हुक्का पीते ना उसमें खाली पाउडर आता है, तो मैं कहूँगा जिस जगह हुक्के सेंटर्स होते हैं और जैसे लोग वहाँ आते हैं मैं इजाज़त दूंगा उस जगह जाकर आप पिए। बात समझ रहे हैं बात को? नहीं बोले उसमें कुछ भी गलत नहीं है और वो खाली फ्लेवर रहता है, तो जिस जगह आप जा रहे हैं वहाँ जाकर आप किस किस को बोलेंगे मैं वो फ्लेवर का पी रहा था, मैं ये नहीं कर रहा था? और कैसे लोग जमा होते हुक्का सेंटर पे, मैं नहीं समझता मस्जिद लोग हुक्का सेंटर पे जमा होते हैं, वहां का माहौल ही आप देखिए, बाहर रोशनी अंदर जाते अंधेरा, पहले डरावना काम हो रहा, मतलब कुछ ना कुछ अंदर गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाजें चालू हर तरफ, अरे भाई ये क्या है? ठीक है, कोई भी आदमी को मस्जिद आदमी आएंगे डर के भाग जाएंगे, बोलेंगे यार हर जगह शोरूम से रोशनियां बड़ी हुई रहती है, हुक्का सेंटर पर अंधेरा क्यों? इसलिए कि एक दूसरे की सूरत नहीं दिखना, एक दूसरे की क्या चल रहा, तो ये इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मुश्तबा है, शक वाला है, इसलिए छुपाया जा रहा है ना। बाकी चीज़ें तो अलग ऐलान हो रही है ना, शोरूम्स के अंदर लाइटें लगी है, तो मैं कहूँगा वो सेंटर्स पर जाने वाले लोग बहुत मस्जिद लोग नहीं होते हैं, ठीक है। और वो कोई मस्जिद काम भी नहीं ना कि आप एक एक घंटा बस गुड़गुड़ करते बैठे हुए, एक मुसलमान को पांच वक्त की नमाज, तिलावत कुरान मजीद, कुरान का समझना, अच्छाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, माशरे की बुराइयों को रोकना, सोशल वर्क करना, सामाजिक खिदमत, कितने चीज़ें हैं वो हुक्के में गुड़गुड़ टाइम का उसको बैठ एक एक घंटा बोले क्या तो बोले गुड़गुड़ चल रहा है हुक्का मार रहे हैं। और अब तो फैशन के तौर पर हुक्के चलते हैं, फैशन है वो टीवी पे देखिए बोले वहाँ मिस्र में हुक्के चल रहे रोड में, तो हम भी बोले औरंगाबाद का हुक्का वाला बना देंगे, क्या अजीब बात है। ये थोड़ा संजीदगी से सोचने की चीज़ है, तंबाकू वाली कोई भी चीज़ हो फिर चाहे नाम लेने की जरूरत नहीं कि इसमें 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 जहाँ भी उसका यूज होता है वो दुरुस्त नहीं। अस्सलाम वालेकुम।